तस्वीरें, भाग गया बंदर, भाग गया। माइक वाइक है भैया जानू लागे, उसको तार वार तो कुतूर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए रहने देते, चलते तस्वीरें। राम की पौड़ी, आस्था का केंद्र अयोध्या, हम लाइव भारत है अयोध्या। अरे वाह वाह वाह, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या बदल रही है भैया, बदल रही है अयोध्या, अयोध्या बदल रही है। योगी की अयोध्या, मोदी की अयोध्या, राम राम भगवान राम की अयोध्या। रोजगार मिला बिल्कुल एकदम, तो योगी ने विकास किया बहुत किया। लाइव तस्वीरें सर आप बताइएगा, अयोध्या बदल रही, जरूर विकास हुआ योगी का, हो रहा है। दबे दबे जुबान नहीं सर, जो है सामने दिख ही रहा है। नहीं आप बोलिए ना, हम आप तो आप हुआ, सर, हुआ है सर, आप बताइए योगी बहुत बदल गया अयोध्या, बदल गया बिल्कुल, राम की पौड़ी बदल गई, बिल्कुल बदल गई, भगवान राम की नगरी की जो छवि है वो बदल गई, बदल गई। आस्था का केंद्र राम मंदिर बन रहा है, बन रहा, तो ये सब पुण्य प्रताप है भगवान राम जी का। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइव तस्वीर, लाइव भारत आपको दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, हम आज पूछो है उत्तर प्रदेश के सबसे ऐसे नगरी जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया अभी हाल में, और वो है अयोध्या नगरी। लाइव तस्वीर, लाइव भारत आपको दिखाता है। सबसे बड़ी बात कि लाइव भारत की टीम पहुंची है आज अयोध्या, भगवान राम की अयोध्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या और आदित्यनाथ योगी की अयोध्या, हमारे देशवासियों की अयोध्या, पूरे ब्रह्मांड के लिए अयोध्या, पूरे विश्व की अयोध्या है भगवान राम, केवल एक धर्म के नहीं भगवान राम। सर अयोध्या बदल रही है, अयोध्या बिल्कुल बदल रही है, बदल रही है अयोध्या, कितनी बदल रही है, काफी। योगी के सरकार में कामकाज हुआ, बिल्कुल काम हुआ, हुआ। चले आप क्या कहना चाहिए, ये हार और ये सत्कार कहाँ से आए जनाब? ये हम लोग, हमारे मित्र का जन्मदिन है छोटे भाई का, उसी। अरे वाह वाह, जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे बोलिए। और सुनेगा ये लाइव भारत आपकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, आपने जन्मदिन बोल दिया, अब दोबारा बोल दीजिए नाम लेके, बोलिए कुमार मिश्रा जी का, हाँ तो हैप्पी बर्थडे यहीं बोल दीजिए, हैप्पी बर्थडे। आप लाइव भारत पे देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, लाइव भारत बदल रही है अयोध्या, अयोध्या। हाँ बेटा जय हो अयोध्या, सुनिएगा रुकिएगा, हमने आपको आवाज दी, आप रुकिए, हम लोग मीडिया से, मीडिया के सामने नहीं रुकती, मीडिया तो आपकी आवाज है बेटा। तो बेटा कहाँ से आप दोनों आए हैं? अयोध्या। तो बेटा अयोध्या बदल रही है, विकास हुआ है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है यहाँ पे दीप जलाने का। आपका नाम क्या है? आंचल श्रीवास्तव। आंचल श्रीवास्तव, तो श्री श्री 1008 आंचल श्रीवास्तव जी, ये बताइएगा अयोध्या बदली नहीं? बदली है। तो कहा है पहले का तो थोड़ा सा ज्यादा विकास क्या नहीं हुआ? वो है। क्या है? तो वही है बहुत। योगी लाएंगे, योगी आएंगे, अखिलेश आएंगे, चलिए लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार ना हो जी। जय हो, क्या नाम है आपका? राम राम जी। राजेंद्र मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद। तो ये अयोध्या बदल रही है? बस अयोध्या नहीं, बस पूरा देश बदल रहा है। अच्छा बताइए, ये राम की पौड़ी है और चलते चलते हमें बताइए, और चलिए और ये बताइएगा अयोध्या का कितना विकास हुआ है? अभी विकास हुआ है। अच्छा तो योगी को दोबारा ला रहे हैं आप? जी है? जी पक्का 100 साइकिल पंचर पंचर। तो ये अयोध्या में रोजगार मिला? अब अयोध्या के विषय में अयोध्या जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिला। अच्छा आप कहाँ हैं? गोंडा। गोंडा, गोंडा कहाँ रहते हैं आप? गोंडा मोतीगंज के पास, मोतीगंज। तो अपने शब्दों में मोती पुरोइए, आप बताइए ये अयोध्या, ये वही अयोध्या है जो समाजवादी पार्टी के दौरान अयोध्या थी? नहीं नहीं, ये वही अयोध्या है जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब की अयोध्या थी, उस दिन में था जी, जिस दिन गोली चली थी। गोली के चश्मदीद गवाह, क्या क्या हुआ सर, आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमें बताएं। गोली चली थी उस दिन मैं था यहाँ पर। अच्छा क्या हुआ था, मुझे सारी घटना बताएं। मैं मुर्दा लेकर आया था और घाट के उस पार था, उधर गोली चल रही थी। अच्छा नहीं नहीं, सारी जानकारी हमें बताइए, विस्तार रूप से बताइए। आप लाइव है, लाइव भारत आपको लाइव दिखा रहा है, आपकी बाबा आज बता रहा है, पूरा विश्व के अलग अलग कोने से हमें लोग देखते हैं, और लाइव भारत उत्तर प्रदेश का ये अभी बहुत बड़ा चैनल उभरेगा, नंबर वन चैनल का अभी भी खिताब मिलने लगा है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। सरजू या धर्म की बात करें तो हिंदुस्तान हमारा है, धरती हमारी माँ है, और हमारी माँ से गद्दारी करने वाला चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेसी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, हम किसी को नहीं खेलेंगे, सबके नकाब उतारेंगे, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो, और चाहे
एक्स सी एम हो, लाइव की चौथ पे आठ क्या है? कितनी बदली है अयोध्या? बहुत बदली। क्या बदला? गोंडा कितना बदला? गोंडा भी गोंडा सिंह रमापत शास्त्री और क्या नाम उनका ब्रिज भूषण सरन सिंह केसरगंज है तो गोंडा बलराम एक ही ना अटल का अटल जी अटल बिहारी वाजपेयी का बलरामपुर बदला कितना यूपी के योगी के राज में? योगी के राज में बेरोजगार बढ़ाने में पीछे से आवाज आई आगे जो बेरोजगारी बढ़ाने की बात करते आगे आइए आगे आइए आपको मंच देते आइए जाइए आइए आइए आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी शिवप्रकाश मिश्रा जी आप प्रकाश डालिए शिव के शिव के सानिध्य में रहते रहो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के तट पर मुझे लगता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। सिर्फ उन्होंने धार्मिक कार्य जो है उसमें उत्तर प्रदेश को एक नया स्थान दिलाया है लेकिन रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने हम लोग को पीछे धकेल दिया। अच्छा एक बार ये अयोध्या में पर्यटक श्रद्धालु आप बढ़े भैया श्रद्धालु बढ़े बिल्कुल बढ़े बढ़े रोजगार नौका विहार बढ़ा जमीनों के दाम बढ़े दाम बढ़े पर ये जो सरकार है बहुत खराब सरकार है। क्या खराब है? तो खराब बताया नए युवा नौकरी लिए उधर उधर भटक जब, रहे हैं। जब 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 सपा की सरकार थी तब 15,000 में क्लर्क 50,000 में बाबू और 15,00,000 में टीचर तब नौकरी बिकती थी तब अच्छा था तब बिकती दिया नहीं। 2012 से 2017 की बात करें पहले बात करिए नौकरी मतलब क्या सरकारी नौकरी रोजगार नौकरी क्या नहीं सरकार सरकारी नौकरी को छोड़ दे रोजगार बढ़ाए रोजगार बढ़ा भारतीय जनता पार्टी कहती है भारतीय जनता मैं पूछूंगा आप बताइए राम की नगरी योगी ने विकास किया सिर्फ 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में विकास हुआ उसके बाहर बताइए सुनेगा। मैं किसी सियासत का चैनल नहीं हूँ मेरा नाम है लल्लू हिंदुस्तानी मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं सच की बात करता हूँ मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं मोहताज नहीं दिख रहा है विकास दिख रहा है क्यों नहीं हुआ आप जो बोल रहे हैं सपा में नौकरी बिकती थी कौन नौकरी बिकती थी मुझे घूमने आए हैं आज ये घूमने आए अयोध्या लोकल हम यहाँ रोज आते हैं। अगर आपका मकान नहीं बना रहेगा मकान कैसे रहेंगे? मोदी का विरोध करते हैं लेकिन मोदी के शौचालय सुबह हगने जाते हैं जी नहीं जाते पर्सनल बात कर रहे हैं ना आप इससे पूछिए हमने आपको कुछ यहाँ पे हल्ला मत बचाओ हल्ला चल रहा है ना पब्लिक पब्लिक का क्या ये एक मिनट समय ले रहा हूँ परसों में मुख्यालय में था केवल भाभी का जन्मदिन हमने मनाया मैं वही था वहाँ भी यही बात की यहाँ भी वही बात करता हूँ जनता के चौक पे करता हूँ 1992 में गोलियां चलाने वाला आज हिंदुत्व की बात करता है ये मुलायम सिंह कौन है? हमारी बात सुनिए सवाल है सवाल है कितने हिंदी चलाए थे ये बताइए
आप? मैं कहता हूँ बोले हैं बीजेपी, मैंने नहीं देखा मेरे बाप को। कितने हिंदू पे, कितने हिंदू पे बताइए? देखिए समाजवादी, देखिए समाज, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि मैं सारे समाज को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? नहीं सुनिए मेरी बात, मेरा दूसरा सवाल पहला सवाल मेरा था, एक मिनट सर, लल्लू जो सामने बैठे जनता देख रहे, लाइव देख रहा है, लाइव चल रहा है। इनको सिर्फ इतना बुरा लग रहा है, समाजवादी पार्टी एक काम करती थी, क्या करती थी? गुंडागर्दी करती थी। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान पर बाउंड्रिया बनाती थी। बात सुनिए, कब्रिस्तान पर बाउंड्रिया चाहिए इनको। हमें अपना धर्म भी देखना है, लोग बेरोजगार कुछ करना चाहते नहीं है। पहले लॉकडाउन के पहले बाहर बढ़े थे, ये बताओ आगे बैठे मंदिर बनवा के कितना रोजगार से सकते हैं बताइए। मंदिर चलिए उनके घर वालों को नहीं मिलने दिए, जला दिए रात में, राजनीति नहीं जा पाए, ये गुंडागर्दी नहीं हो रही है। घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ कोई आता भी नहीं है, चली रही थी, होती है आप लोगों को घूमना यह देखने के लिए मछली था, यहाँ लाखों आदमी आ रहे हैं, यहाँ आदमी आ रहे हैं। यही करवाना हो तो चले जाए हम लोग। बात ये था, आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्या बोले भाई? बात सुनिए एक मिनट, 2017 के पहले यहाँ कुछ नहीं था अयोध्या में ना, तब ये लोग अयोध्या वासी छोड़कर अयोध्या में कहीं अलग रहते थे क्या? दो हजार सत्रह के पहले बात ये था, ये जो बोल रहे हैं सवाल उनको लाएंगे, राम भगवान को योगी सरकार में नहीं लाएंगे, राम भगवान को जो गोली चलवाया था वो लाया है, जो गोली चलवाया था वो लाया है। ये जनका मुद्दे की बात कीजिए, जय श्री राम और समाजवादी पार्टी ने मुद्दे की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, इतना विकास हुआ है कि कोई नहीं, कोई सरकार नहीं किया।
रोजगार आपको मिला या नहीं, हमको क्या मुंह में पांच लाख खा गए तो ये देख सकते देख राम पर योगी बाबा बनाए तो हनुमान गणित किसने बनवाया। हनुमान गढ़ी अगर विकास है जैसे ये भूल जाते हैं ऐसा ही होगी जी का विकास है। 30,000 के लैपटॉप पे जब उनको एतराज था फोटो छपवाने से, तो नमक और उसके क्या चने के पैकेट पे फोटो छपाए उसमें एतराज नहीं है। काम में जनता डाल विकास के नाम भी विकास किया है, जोगी भी दिया ये भाई था। नहीं तो कोई के मुद्दे पे लड़ने जो है कुछ नहीं है। आज के मुद्दे पे चुनाव लड़े, इनका काम क्या था गिनाइए। 5 साल 4.5 साल बीत गया, कोई काम इनका दिखा नहीं, कुछ नहीं कुछ दे रहे हैं। और भाई वैकेंसी सारी सारी भैया जिसका बता सकते हैं बदल देंगे, ताज बदल देंगे और बेईमानों का राज बदल देंगे। नहीं चल पाएगा बेईमानी। अखिलेश जी का काम 108 दिए, 100 नंबर दिए, भाई गरीबों की आवाज सुननी जाने लगी। नहीं तो गरीब दौड़ते थे। अरे देखिए स्कूल बंद है, ठीक है, जब तक लड़के पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे भाई, वो अपनी आवाज उनकी दबी रहेगी। और अखिलेश जी हमेशा पढ़ाई के मुद्दे को लेके जो है स्कूल बंद है, ठेका खुला है, चाचा आए हैं उसी परेशान में, बस ऐसा लीजिए आप। कोई भी हो जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, कोई आए मुद्दे की बात कर ले। यहाँ इतने लोग आए यहाँ पर, बहुत पार्टियां बहुत आई हैं, लेकिन आज तक किसी के लिए अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी में पार्टी रही जिसने राम मंदिर के बारे में बताया। आज लाखों आदमी, आज बीजेपी के चलते लाखों आदमी यहाँ आ रहे हैं सर, नहीं तो कुछ नहीं था। ट्रस्ट का काम है, मंदिर का निर्माण कराना ट्रस्ट का काम है। यहाँ विकास ऐसा हुआ है कि एक ही मिनट में 1 करोड़ की जमीन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आएंगे मोदी, आएंगे मोदी, क्यों आएंगे मोदी? उन्होंने काम करा है यहाँ पे। क्या क्या काम करा है? ये कहते विकास ही नहीं हुआ। देखिए सर, विकास ही नहीं हुआ। हमेशा सबकी बातें होती है, यादव उसको सपोर्ट करता है, यादव को सपोर्ट करता है। हाँ, और बोलने को तो लोग अयोध्या का विकास हुआ भाई, अयोध्या का विकास हुआ। बीजेपी 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 है हम लोग। रोजगार मिला आपको अयोध्या में? रोजगार मिला जो कर रही है, रोजगार है तो रोजगार तो रोजगार मिला नहीं मिला। जमीन ये क्या है? ये नहीं है, ये आपका है, ये हमारा। तो इससे पैसा कमाते हो तो ये रोजगार ना हुआ। पहले भी आप सरकार में भी पैसा कमाते थे, ये रोजगार है सर। अयोध्या बनी तब आया, अयोध्या बनी तब अयोध्या। मैं किसी का प्रचार नहीं करता, मैं पार्टी का गई तेल लेने, समाजवादी पार्टी जाए तेल लेने, बीजेपी जाए, अकाली जाए, कांग्रेस जाए, बसपा जाए, सब जाए तेल लेने। मैं अकेला हूँ। राम लला पे
गोली खेलने चले, राम भक्तों पर गोली खेल चली, गोली नहीं जाएगी। पूर्व मध्य समाजवादी अयोध्या में आएगी। योगी बाबा अभी कुछ दिन पहले अयोध्या से लड़ने के लिए घोषणा किए थे, उसके बाद सुनिए, योगी बाबा भी कुछ दिन पहले अयोध्या में लड़ने के लिए घोषणा किए थे, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया वाले से सर्वे करवाया, भैया इधर सुनिए, मीडिया वाले से सर्वे करवाया, जब वो पूरी तरीका से हार रहे थे, उसके बाद इन्होंने वहाँ से गोरखपुर अपने मठ में भागने का काम किए, ठीक है, इसीलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम कह रहे हैं कि चुनाव के पहले योगी जी गोरखपुर में चले गए हैं, उनकी वापसी नहीं होना है, समाजवादी सरकार बननी है, समाजवादी सरकार बनेगी, पूरी होने दो, चलिए हम आगे चलते हैं, राज्य पोलिंग हम लोग ही रहेंगे। आपकी ऑडियंस ने एक बार बताए, समाजवादी पार्टी अगर ये व्यवहार, समाजवादी पार्टी अगर मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं वही कहूंगा जो बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार रही है। क्या गुंडों की सरकार है ये बताइए, एक मिनट ये बताइए क्या गुंडों की सरकार, बीजेपी कह रही है क्या, बीजेपी कह रही है उनका जो माफिया गुंडा है, उनका जो माफिया गुंडा है वो सरेआम क्रिकेट खेल रहा है, दुबे का जुलम नाम नहीं, जो क्रिकेट खेल रहा है जौनपुर, उसका नाम बताओ, धनंजय सिंह योगी सरकार बेकार, योगी सरकार उसी दुबे का क्या जुल्म है बताइए, उसी दुबे का क्या जुल्म था, चार दिन बाद वो औरत जो है जेल में चली गई, और धनंजय सिंह वही फरार है, बताइए धनंजय सिंह फरार है, क्रिकेट खेल रहा है, उसी दुबे जेल में है, क्या जुल्म था उसका बताइए। अच्छा दूसरा जुल्म था, दूसरी बात, एक हिंदू बेटी रात को 6 बजे के बाद योगी सरकार में संस्कार होता है, तो वो हिंदू की बेटी थी तो क्या वो सही था, देखिए वो बात अलग है, वो सही, देखिए 5 सालों में हिंदू की बेटी संस्कार सूर्यास्त के बाद, हाथरस का मुद्दा आपकी सपा उठा रही है, आपके सपा के मंत्री उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमें, वो हाथरस का मामला जो भी था, सरेआम जो है घर वालों को नहीं मिलने दिया गया, सुने सुने, घर वालों को नहीं मिलने दिया गया, सरेआम जो है रातों रात उसका दया संस्कार कर दिया, घर वालों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं मिलने दिया गया, वो तो योगी सरकार नहीं मिलने दी ना घर वालों को, क्यों नहीं मिलने दी, क्यों नहीं मिलने दी योगी सरकार। अच्छा एक बार, समाजवादी पार्टी आप सभी वर्कर हैं, समाजवादी पार्टी हर वर्कर अपने आपके अखिलेश नेता जी हैं, किसी पार्टी से नहीं, अरे सुन तो, हम लोग विद्यार्थी हैं इसलिए समाजवादी वर्कर हैं। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, आप उनको एक सलाह दीजिए, क्या सलाह, यही सलाह कि हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हाथरस के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी, हाई कोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, सब तो इन्हीं की जेब में है ना, मीडिया से लेके हर एक चीज जेब में है, अरे गोदी मीडिया हो गई है, सब कुछ सरकार के जेब में हो जाएगा तो कानून का कोई वही नहीं। मेरा नाम हर्षित यादव है, बस्ती का रहने वाला मैं हूँ, हरैया विधानसभा, हरैया में आपका विकास हुआ, आपके इलाके का क्या विकास हुआ है बताइए, अयोध्या का खुद रहने वाला हूँ, अयोध्या में कुछ विकास नहीं हुआ, मेरा घर यहाँ का खुद। अच्छा भैया और कोई कुछ कहना चाहता है, अब आप नहीं बोलेंगे, देखिए अब आप नहीं बोलेंगे भाई, अब बोलेंगे तो फिर मैं वही कहूँगा, एक अंधा भी बता सकता है कि यूपी में विकास हुआ है, ये लोग को दिखाई नहीं देगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कभी विकास किया ही नहीं है ये लोग। गोलियां किसने चलवाई थी, गोलियां सपा सरकार चलाई थी, मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी कार से, ओके ओके। अच्छा तो क्या आप देखे थे, क्या देखे थे, तुम देखते हो जो पढ़ते लिखते हो सब जानते हो, तुम पैदा हुए थे देखे थे, तुम पैदा हुए थे देखे थे, वो नहीं सब अच्छी से सर, सब लिखा पढ़ा वही देखा जाता, आप नहीं बोलेंगे, लिखा पढ़ा जाता वही देखा, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, आप में सबको हकीकत जानते हो, हां बताइए आप, हां जी क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, कार्यकर्ताओं पे हमारे जो राम भक्तों थे सबके ऊपर गोली चलवाया गया था, और क्या, और ये बताओ इस समय सपा की कोई है यहाँ पे, ये तो कहते सपा ही आएगी, नहीं भाजपा आएगी फिर से, इतना अच्छा काम हुआ है, सब गुंडा राज खत्म हो गया यहाँ पे, सरकार हो तो मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है, योगी सरकार हो तो मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है। अरे क्या नाम है आपका, जियो का डेटा सोनिया का बेटा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है, हम लोग हिंदुस्तानी है, कॉमेडी करते हैं, बहुत बढ़िया, तो आपका नाम क्या है, कुमार तिवारी, अरे तिवारी जी मिल गए हम ललू हिंदुस्तानी, मेरा नाम है ललू हिंदुस्तानी, कैसा लगता है आपका मेरा किरदार, एकदम सब जबरदस्त, कैसा एंकरिंग कैसी,
मस्त बहुत अच्छी। हम सच दिखाते हैं, सच के साथ कुछ प्रदेश में योगी का ही बड़ा महत्व है। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे यूपी में, क्या पूरी दुनिया में फिर से भगवान लहराएंगे श्री राम सबसे अच्छा। अच्छा एक बात है, जो यहाँ पे बोल रहे थे उनके टोली तो यही अयोध्या देखने आई है ना, पहले तो अयोध्या देखने लायक नहीं थी, यहाँ पे उखड़ खाबड़ था। आ रहे हैं सर राम अयोध्या में, राम मंदिर ही नहीं, राम हमारी संस्कृति का आधार है। और देख सकते हैं आप कितना पावन विकास हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पर। आज तक जितने भी अन्य सरकारों में आए सब कूड़े कचरे आए, जिन्होंने यहाँ पे केवल बर्बादी गुंडाई दबंगई विनाश किया है, इसलिए हम योगी जी को फिर से यूपी में लाएंगे और भगवान लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आप लाइव देख रहे हैं अपने लाइव भारत, आप देखिएगा लाइव चैनल फेसबुक निकालिएगा और हम आपसे बात करते हैं। ये दिखाइएगा ये क्या है, नहीं आप इसको बंद कीजिए, हमारा लाइव चैनल देखिए, हम लाइव भारत पे आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप लाइव खोलिए और हम आपसे बात कर रहे हैं, फेसबुक खोल के दे दीजिए सर को। सर हम इतना ही नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं क्या दिए हैं योगी जी और मोदी जी, हम ये कहना चाहते हैं कि देश में कितने किसान को किसान सम्मान निधि मिलता है। अभी उधर मैं आपकी शिकायत आपके आदरणीय अखिलेश जी से मैं ऑफिस में जाके करूंगा। आपका बोलने का मौका मिला, मैंने कहा कुछ बोलना है, कहने नहीं, फिर आप क्यों आए? गलत बात है सर, गलत बात। प्लीज प्लीज यहाँ खड़े रहो तो बोलना नहीं है। मैं किसी का चैनल, मेरा किसी पार्टी का गुलाम नहीं है ना, हम किसी के पास विज्ञापन मांगने जाते हैं, हम सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं। चुप करिए, चुप करिए आप, मिस्टर चुप। आप रिक्वेस्ट है मेरी भाई साहब, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मैं अभ्युदय योजना के अंतर्गत मेधावी, मैं अभ्युदय योजना यूपी में योगी जी ने चलाई है। आप देंगे एक बात, सम्मान समेत डिबेट होगी तो मैं करूंगा। और ये यहाँ पे हुड़दंग मचा है ना, तो एक आदमी बोले जो मर्जी आप चुन लीजिए भाई साहब, ठीक है ना, चिल्लाओ ना भाई प्लीज यार, कम से कम अवध नगरी है और यहाँ पे हम अपने संस्कार दिखाएं, शिष्टाचार से बात करें, तर्क भी तर्क करें, ठीक है भाई साहब। कौन आएगा, एक आदमी कौन आएगा इस खेमे से, समाजवादी पार्टी खेमे से इधर आ गए, बीजेपी के खेमे से एक आदमी कोई आ जाए, आप बोले ना, आप आइए भैया, आप आइए, आप आइए, आप आइए। हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं, तालियां भी नहीं बजानी, नारेबाजी भी नहीं करनी, डिबेट के भैया पता लगे नहीं, कोई बात नहीं, डिबेट के बाद। अच्छा अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप इनसे, अपने दो बंदे आपके हैं, इनसे आप ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। आप अपने दो बंदे कौन से चुन रहे हैं बताइए, आगे आ जाओ, आगे, बाकी सब पीछे हट जाओ, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे ये पीछे इधर आओ, मेरे पास इधर आओ, बाकी लोग आ जाओ पीछे भैया, मुझे चार आदमी चाहिए, बोलने नहीं। सवाल मेरा आराम से जी बिल्कुल, पहले सवाल टॉस कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे पांच साल की उपलब्धियां योगी जी की गिनाई है हमने। सर मैं पहले किसानों के लिए, लोग चाहते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, कि हर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मिलता है, अगर एक परिवार में चार किसान है तो उनको किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹2,000 हर चौथे महीने पे आता है। और अगर किसानों के लिए दिया देखा जाए तो तमाम रोजगार दिए गए हैं, चाहे छोटे से छोटे, आप अयोध्या में ही देख सकते हैं कि इतना बड़ा रोजगार है, इतना बड़ा पावन स्थल है, यहाँ पे कितने लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, तो इससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं। आपका सवाल जवाब खत्म हो गया जी, ठीक है। आपका परिचय क्या है? कृष्ण प्रताप सिंह, कहाँ से? अयोध्या नगर, अयोध्या नगर जी, अयोध्या धाम जी। आपका परिचय, परिचय? सर मेरा नाम रवि यादव है जी। हाँ तो इन्होंने जो कहा उस बात से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट भैया, ₹2,000 में क्या होता है, बछड़े का क्या इंतजाम किया ये पूछिए, तार लगाना पड़ता है, इसके बाद में जानवर जाके पूरा का पूरा फसल खा ले रहे हैं, चर ले रहे हैं भैया, कुछ बचता नहीं, कोई खेत हमारे पास खुद की खेती सब बर्बाद है, इनसे पूछिए गाय और बछड़ों का योगी जी ने क्या किया, कहाँ इंतजाम किया। एक मिनट, आपकी टोली, आपके यादव जी आपकी टोली का नाम क्या रखे, क्या नाम है आपका? चलिए आपकी टोली सांझी टोली, भगवा टोली, भगवा टोली, भगवा टोली। तो भगवा टोली से कौन देगा जवाब इनका? आप नमस्कार, आपका परिचय पहले, परिचय। अजीत विश्वकर्मा,
विक्रमजोर बस्ती से। अच्छा बताइए, इनका जवाब दीजिए इनके। सर मैं यही जवाब देना चाहता हूँ, गाय बछड़े हम लोग की भी जिम्मेवारी है, उसे दूध गार के छोड़ देते हैं तो उसे छोड़ देंगे तो खेतों में घूमेगा ही। और पहले हम ही लोग हैं, हिंदू लोग हैं हम लोग, हम ही लोग गौ हत्या बंद करवाए, तो हम ही लोग की जिम्मेवारी उसका देखना भालना है ना। तो थोड़ी गौशाला भी बनवाया गया है, उसका चार लोग सपोर्ट करेंगे तभी जो कोई सरकारी चीज बनाया जाएगा, चार लोग सपोर्ट करेंगे तभी कोई उसका ध्यान देगा। सर पहले हम कहते थे कि गौ हत्या बंद हो, राम नाम का प्रचार हो, आज योगी जी ने गाय बछड़ों को कटवाना बंद करवा दिया, तो क्या ये उनकी गलती है? बताइए ये जो गाय, एक मिनट सवाल मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये योगी आदित्यनाथ की सब गायें हैं जो उन्हीं की है सारी? नहीं, जो लोगों की किसान की जनता की है, जनता की है। योगी मोदी कहीं से गाय लेके आए हैं? गाय हुआ भैंस हुआ वो कहीं लेके आए? भैंस को नहीं कोई छोड़ता, भैंस क्यों नहीं छोड़ता? उससे पैसे मिलता है, एक पंडिया रहती है 10-15 हजार का बिकता है, और गाय तो 2000-1500 में दूध गार के छोड़ देंगे। मैं कहना चाहता हूँ गाय हमारी माता है। गाय के लिए सपा सरकार ने क्या किया? सवाल सपा सरकार ने किया गया? एक मिनट सर पहले इनके क्वेश्चन का आंसर। योगी जी गौशाला बनवाए हैं, आप न्यूज एडिटर हैं या जो भी हैं, आप चलिए गौशाला में देखिए कितनी गाय लेके जाते हैं, उठा के वहीं पे छोड़ के चले आते हैं। और सुनिए सर सुनिए, और सब सारी गाय जाती भी नहीं, एक दो गाय लेके जाते हैं दिखाने के लिए, जब मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का दौरा होता है 10-12 गाय खींच के लाके अंदर कर देते हैं, इसके बाद में दिन भर गाय किसानों के फसलों को खाती है। आप जाके कितने भी गौशाला, एक मिनट ये बात ना, आप हमारे लाइव भारत में चैनल में देखिएगा, हमने ये बात माननीय वहाँ पे जाके प्रवक्ता से बात किया परसों, लाइव भारत ने यही सवाल उठाया और उसका हल भी बताया। हल मैं बताता हूँ, मैंने नहीं बताया, जनता ने बताया उसका। उन्होंने ये हल बताया कि प्रति गाय पशु 1000 रुपया जो गौशाला को मिलता है, जहाँ पे 100 गाय दिखा के 90 का पैसा हजम हो रहा है कहीं कहीं, तो वो किसान अगर 1000 रुपया उनको पशु मिलेगा तो वो अपना गोबर भी रखेगा और वो जानवर भी रखेगा, और वो ऐसा उन्होंने कहा। मैंने जनता की आवाज उनको बताई कि ये हल जनता ने निकाला, अब आपके हिसाब में ये हल है। फिलहाल सवाल ये है, सपा सरकार ने गौओं के लिए क्या किया था? गौ के लिए गांव अभी जिसकी सरकार है वो क्या कर रहे हैं, बात ये है सर। पहले सुनिए हमारी बात सुनिए, वो 5 साल पहले सरकार थी, अब सुनिए हम बता रहे ना, अब जो सरकार है उसकी सुनिए। गौशाला में क्या हो रहा है, गौशाला देखिए, गौशाला में कितनी गाय है, क्या हो रहा है, आप जाके देखिए कितनी मरी पड़ी है। एक एक क्विंटल भूसा ला के 50 गाय खिलाते हैं सर। अब विराम, आपका दूसरा साथी कौन सा बोलेगा? आप बोले, कौन बोलेगा? आप बहुत बोल चुके। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको इतनी दया ही है तो आप छोड़ना ही बंद कर दीजिए। तो लोग अपना जो अपने घर में रखते हैं, रोड में। आप सब सुनिए, आपके पास कितनी गाय है? आपके पास कितनी गाय है? आपके पास रखे हुए छोड़ते नहीं है आप? छोड़ते नहीं, छोड़ते क्यों? गाय छोड़ना पाप है, हम लोग कमा उससे खाते हैं, दूध पीते हैं। सही बात, तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां बजाओ। अच्छा सुनिए, एक मिनट जब क्या, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अगर आपकी तरह हमारे उत्तर प्रदेश का हर घर ये ठान ले कि हम जिससे गाय हमारी जब तक दूध दे तब तक हमारी माता है, और जब दूध ना दे तो हमारा क्या जाता है, जिस तरह अभी सुनो, जिस तरह आपने कहा कि हम नहीं छोड़ते, तो सभी ना छोड़े, अपील कर दो। बिल्कुल सब, कोई गाय मत छोड़े, जो गाय पाले उसको आखिरी दम तक अपने पास रखे। बस सहमत है, सहमत है। जब तक मलाई खाना हो तब तक तो उससे मलाई खाए, और जब दूध लेके पिए उसके बाद जब उससे ना काम हो छोड़ दे उसे खेतों में। हाँ, हम लोग सहमत है सर। अच्छा मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है। विकास हुआ? विकास की बात कीजिए सर। विकास हुआ कहाँ? विकास हुआ सर, सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं विकास हुआ सर? सर सर बोल सकते हैं, एक मिनट सर, अयोध्या में विकास देख लीजिए सर कितना हुआ है। सर देते हम बताए, विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास की तरफ कोई भाजपा का एक सदस्य बता दे, जो बता दे 5 विकास गिना दे कहाँ पे हुआ है, हम मान लेंगे विकास हुआ है। पहला विकास, पहले 1000 आदमी आता था सर, एक मिनट, पहले तो 1000 आदमी यहाँ अयोध्या में आ रहा था। पीछे पहले अयोध्या में सर 1000 आदमी आ रहा था, आज लाखों आदमी आ रहा है, यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, ये पहला विकास। दूसरा विकास सर, दूसरा विकास सर, ये रोड बनाया बीजेपी,
आज कितना बड़ा विकास किया है, जो कि कहीं से विश्व भर के आदमी लोग आ रहा है। राम भक्त जितना है दूसरा विकास हुआ, हाँ तीसरा विकास सर, तीसरा विकास सर, गरीब आदमी को आपको क्या बोला यार, चुप करो, गरीब आदमी को आवास मकान, गरीब आदमी को क्या जरूरत है, गरीब आदमी को क्या जरूरत है आवास मकान, सब कुछ मोदी सरकार ने दिया है सर। तो ये लोग तीसरा बोल रहे ये लोग विकास विकास हम बता रहे हैं, अंधा भी बता देगा कि विकास हुआ है, हर घर अंधा भी बीजी गैस, घर घर शौचालय, सब्सिडी खत्म, सब्सिडी खत्म, सब्सिडी खत्म, लेकिन खत्म, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, घर घर शौचालय, भैया 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 एक मिनट चुप रहो, घर घर नहीं, आपने गैस दिया ठीक है, आप सब्सिडी खत्म कर रहे हो, हजार रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, वो क्या फ्री में भरा रहे हैं, फ्री में तो दे नहीं रहे हैं, आपने काम किया ठीक है, आपने काम किया, पिछली की सरकारों ने भी तो घर बना के दिए, पिछले की भारत गैस के मिशन के तहत क्या हुआ था, शौचालय 8,000 रुपया शौचालय के लिए देते, 50-60,000 आपका काम दिया, उनको भी टाइम दे दूं, उसको भी जो भी सरकार आएंगी काम करेगी, चाहे कोई भी सरकार रहे, सबने बना के दिया, लेकिन जो इस समय करंट की सरकार है, ना आप रोजगार की बात करते हो, विकास की बात करते हो, ना किसी चीज की, आपका एक मुद्दा है सिर्फ रिलीजन बेस्ड बस, अच्छा सुने 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 सुने, हेलो 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 हेलो, लाइव भारत यूपी में पहली बार जब आया और जब हम बोले तो साफ साफ बोले कि राम मंदिर बनाने में मोदी सरकार और योगी सरकार उनके सभी जो साथी हैं उनका या राम सेवकों का आशीर्वाद हो सकता है, आशीर्वाद नहीं कह सकता मैं, गलत क्या, आशीर्वाद तो राम का हो, फिलहाल उनका प्रयास हो सकता है, लेकिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, अभी नहीं चाहिए मंदिर में से कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा नहीं होना चाहिए, जाट पाट मुद्दा ना हो, मुद्दा ना होना चाहिए, जाट पाट मुद्दा ना हो, नहीं इनके में जातवादी हो रही है सर, क्यों एक मिनट जब सपा सरकार थी तो कुछ को छोड़ के सब SHO यादव थे, यादव एंड कंपनी राज करती थी यूपी में, अब आप बता दीजिए इस सरकार में कौन सी बिरादरी है, आप बता दीजिए क्या कौन सा बिरादरी है इस सरकार में, इस सरकार में कौन विधायक, कौन मंत्री या कोई सरकारी नौकरी, कोई भी गिना दीजिए, जब लायक कर्म करोगे तभी तो मिलेगा, सरकार में ये कर्म नहीं था, सरकार में नौकरी बिकती थी, क्या नौकरियाँ बिकती थी, नौकरी से भी आधे लोग को हमारी पार्टी के हैं, पार्टी नहीं, इसके पहले सब रोजगार में थे तो क्यों पूछ रहे हैं, अब हमारी बात सुनो, क्यों पूछ रहे हैं, इसके पहले तो रोजगार में से था तो क्यों रोजगार ढूंढ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता किसने ये बोल रहे हैं, अखिलेश सरकार मतलब अखिलेश सरकार में नौकरी भी करी थी, योगी सरकार में खरीदे क्यों नहीं है, अखिलेश सरकार खरीदे क्यों घूम रहे हैं, खरीदे क्यों नहीं, ये अपना अच्छा खासा लाइफ क्यों बेकार कर रहे हैं, खरीद के ये नौकरी करते, आज इनके पास भी घर होता द्वार होता, एज नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वाले अखिलेश के बापो बड़ा नहीं है, जय श्री राम के लिए अखिलेश नहीं, अखिलेश के बापो बड़ा नहीं है, ओके मैं कह रहा हूँ, जाओ मैं कह रहा हूँ, किसी को गलत, आप मैं कह रहा हूँ अखिलेश के बापो, उनके बाप चलिए बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत हम जनता की चोट पे बोलते हैं सर, हम अपना नाम नहीं बोला, मेरा नाम श्याम नारायण पांडे, मैं अयोध्या बनाने के लिए सर आया हूँ, पहले मैं आपका दिल्ली मेट्रो रेल में सर काम किया 10 साल, अभी अयोध्या बनाने के लिए आया, मेरा नाम श्यामानंद पांडे है जी, जी सर, राम मंदिर ही नहीं, राम हमारी संस्कृति है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, जी जी कौन मनवा जाता, बोला जाता सबके सिवा कुछ नहीं, कोई जाति पात नहीं, केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्र हमारा धरती हमारी माँ है बस,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अखिलेश। अब मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपने जय श्री राम पहले लगाया। मैं एक बार बताऊँ, किसी जमाने में जब मैं मीडिया में नहीं था तब मैं प्रवक्ता था समाजवादी पार्टी पंजाब का, राइट। मुलायम सिंह ने मुझे बब्बर मुलायम सिंह और वो क्या नाम है जो अमर तरह है वो थे पहले पार्टी में, अमर सिंह। हाँ, मैं पंजाब का प्रवक्ता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और हमारा चैनल ना भैया मोदी का है, ना योगी का है, ना अखिलेश का है, ना सबका है, आप सबका है। तो इसलिए हम कह रहे हैं वोट बैंक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। डिबेट जितना मर्जी करो, हम तो टाइम दे रहे सबको, ठीक है ना। नहीं तो फिर लड़ाई का हम मोटर थोड़ी जल्दी हिंदुस्तानी हुई तो हम बात में अच्छी थे ना कि वो क्या फुचरा वो था आगे नहीं आवा। चलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या बदल रही है। नंबर अपना नंबर अभी हम देते हैं, चलते हैं, अभी नंबर भी देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तस्वीरें हैं तो ये अयोध्या कितनी बदली, तर्क वितर्क हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे शर्म आती है उन नेताओं पे जो धर्म की राजनीति करते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पे जो आस्था के केंद्र को सियासत की चौखट पर जीरो कर देते हैं। वोट के लिए धर्म, मैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हिंदू सुख मुस्लिम ईसाई सब हम मिलकर रहे, हमें विकास चाहिए। मंदिर मस्जिद जो भी आस्था का केंद्र है, इसकी टिप्पणी अगर करनी होती, नेताओं ने बनवाना होता तो कब का बन जाता है। 70 साल 75 साल कितने साल मैं नहीं समझता। सबसे बड़ी बात कि रामलला टाट में रहे और नाता यहाँ के ठाट में रहे, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है। और अयोध्या कहीं ना कहीं, ये अयोध्या पहले भी मैंने देखी, क्योंकि मैं यहाँ अयोध्या से मेरा नाता है, अवध नगरी से, तो मैंने अयोध्या देखी। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो दिखा रहे हैं ये विकास है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसी राम की पौड़ी में, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इसी राम की पौड़ी में। लाखों दिए जब गले थे, आए थे आप, उस समय थोड़ा सा बताइए कैसा था। बहुत अच्छा है, पूरा ऐसा लग रहा था राम 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 आ गए हैं। तो योगी की सरकार ने राम का एहसास आने का अयोध्या में करवाया, वो एहसास का करवाई है। राम तो ही है, राम तो कड़कड़ में है, बहुत बुरा। चलो आगे चलो, चलिए अयोध्या बदल रही, अयोध्या बदल रही, अयोध्या बहुत बढ़िया है, विकास बहुत आगे हुआ है। अच्छा, यहाँ श्रद्धालु दूर दूर के लोग आते हैं, विदेश लाखों जन आ रहे हैं। एयरपोर्ट यहाँ पे बनता जा रहा है, जी जी जी, एयरपोर्ट बन रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, आपको समय नहीं मिला, अब आपको पूरा समय आप बताइए। और ये सब जो गंदगियाँ हैं ये सब साफ हो गई हैं। और फिर अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो फिर अयोध्या अगर विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे तो रोजगार कैसे यहाँ पे नहीं आ पाएगा, अपने आप उनका रोजगार उत्पन्न कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो इस बार योगी आ रहे हैं, अच्छा जीत होगी 99%। अखिलेश यादव ने चैलेंज किया था कि योगी बाबा इसलिए अयोध्या से लड़े तो वहाँ पे सात वोटों का डेरा है, वहाँ पे लाख से ज्यादा वोट उनके वही इसलिए करके हमारे वहाँ से गोरखपुर के चले आए। लेकिन योगी बाबा ने रातों रात कर हम अयोध्या पहले टिकट अयोध्या की गोरखपुर चले गए, वो गोरखपुर चैलेंज स्वीकार किया योगी। ऐसा नहीं है कि दो कदम पीछे हटाया तो हार के पीछे जाता है इंसान, हो सकता है और तेज दहाल ना हो सकता। नहीं, ये सपा कहती, मैं नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो सवाल उनके लेता हूँ, दागा पर देता हूँ आपके सवाल उनके दागा। हम तो अपने आपका पार्टी बने जी बाबा। अच्छा, महंत हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी ने हमारे सपा क्या नाम भाजपा के कार्यालय में मुख्यालय में हमसे एक अखिलेश जी का नाम रख दिया, अखिलेशुद्दीन नाम का निर्णय किया, तीन चार दिन पहले किया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। अच्छा चलिए, और कोई क्या करना चाहेंगे आप? और फिर ग्रोथ की बात है तो ग्रोथ होती रह रही है, हर पार्टियों में भी कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी ही रहेंगी। अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन फ्री में लग रही है, 2,500-3,000 की वैक्सीन आपको फ्री में लग रही, घर घर में लग रही, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं सर? इस स्टफ पर राम की पौड़ी पर राम के नगरी में इतने जो बेचते हैं भेलपूड़ी तमाम कुछ भी ना कुछ लाखों आते हैं, तो ये रोज बॉम्बे में कुछ लोग रहे हैं वो अब यहीं पर कोरोना से फंस गए, बॉम्बे भूखे मर रहे थे, कहते भैया आप भगवान की दया से राम की दया से बहुत कुछ रोजगार मिल रहा है और अपना परिवार चल रहा है। तो ये रोजगार नहीं है, रोजगार केवल सरकारी नौकरी मिलना है। और सपा के सरकार में सरकारी नौकरियां 15,000 से 20,000 में कलर का और इतना स्तर, मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये बीजेपी वाले कहते हैं, आला मंत्री कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि लगभग कुछ नहीं कहता, सवाल उनका उठाता है, हम क्रॉस चेक करते हैं। लेकिन 2022 क्रॉस चेक नहीं है,
है अब कोविड के कारण कुछ वैकेंसियां अपने आप कम होती चली जा रही है, ऐसा तो नहीं देश हर चीज की मार झेल रहा है, अब कोविड इतना बड़ा सामना करना पड़ रहा है, इसमें चाहेंगे कि हम सब कुछ चीज पहले से ही झेलते जाए जो पहले चल रहा था वो तो योगी की अयोध्या और मोदी की अयोध्या और सब राम भक्तों की अयोध्या, पूरे देश की अयोध्या, पूरे विश्व की अयोध्या खुशहाल है, कह सकते हैं खुशहाल है, जहाँ राम राज है वहाँ पे लोग मन मत का खुशहाल है। तो यार आप शंकर वाले इंसानों का नहीं तो कह सकते हैं दिल खोल के करो खुशहाल है, खुशहाल है, चलो बहुत खुशहाल हम लोग हैं। भजन आवत है, भजन आवत है, भजन आवत है, भजन भजन गाय के सुनाओ हमें। राम रमेती रामे नाम मनोरमे सहस नामे तुल्य नमाम राम श्री राम नाम राम से जय हो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और आज हम सरजू टाटा राम की पौड़ी पर मैं अपने साथी कैलाश प्रजापति से भी कहूंगा कि अयोध्या के बारे में आज वो हमें बताएं और जो ये डिबेट हुई है उनके बारे में वो हमें बताएं। और हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट हमारे एडिटर इन चीफ ग्रुप एडिटर इन चीफ के साथ और उनसे हम बात करेंगे कि लल्लू हिंदुस्तानी की ये विभाग रिपोर्ट उनको कैसे लगी। जी कैलाश प्रजापति जी देखिए अगर जो बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट यहाँ की जनता यहाँ पर आने वाले लोग सारे बता रहे हैं, पर पार्टी के समर्थक हर जगह होते हैं, हर पार्टी के समर्थक होते हैं, अगर जो हम समर्थकों की बात करें तो वो तो अपनी पार्टी का ही गुणगान करेंगे, पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये घाट कभी यहाँ पर लोग खड़े नहीं होते थे, पर आज ये ऐसा घाट है जहाँ पर रोज लोग लाखों की गिनती में आते हैं, दिन और रात ये नहीं देखते दिन है कि रात है, पर यहाँ पर लोग आकर या घाट पर स्नान करने की भी जगह बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी सेफ जगह है जिसमें से 3 से 4 फुट पानी रहेगा, इससे ज्यादा पानी नहीं रहेगा। इस बांध को भी इसी तरीके से बनाया गया कि ताकि यहाँ पर सेफ्टी के लिए अगर जो स्नान करता है बंदा उसके लिए सेफ्टी भी रखी गई है। तो ये एक घाट के साथ चलिए आपके साथ एक खूबसूरत महिला है इनसे बात कीजिएगा और पूछिएगा कहाँ से आई है। घाट के साथ साथ एक मैं पहले इनसे बात कीजिए जो ये खूबसूरत महिला हमें मिल गई है तो इनसे बात कीजिएगा। अब बताइए आप इनकी इंटरव्यू कीजिए कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं। सबसे पहले तो आप अयोध्या घूम रहे हैं तो वो मेरे श्रद्धा का केंद्र माता सबसे पहले रुके और यहाँ पर आपको कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा इनको यहाँ पे आके। अच्छा लल्लू हिंदुस्तानी का शो कैसा अच्छा लगा हमसे पूछेगा और सबसे पूछेगा अपने शो के बारे में कैसा लगा व्यापक बातचीत पूछेगा। तो आपको जैसा कि लाइव भारत ने सवाल पूछे सबको टाइम दिया चाहे सपक हो या बसपक हो या भारत का एक सच्चा नागरिक जो किसी पार्टी से बदली रखता हमने उसको दिया तो आपको ये शो कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर और हम चाहते हैं कि ऐसे आए और आप यहाँ पे लोगों से अपना सर्वेक्षण करें क्योंकि ये राम की संस्कृति है, राम केवल मंदिर ही नहीं राम हमारे आस्था हमारे हृदय में भरे हुए हैं, इसलिए हम राम की संस्कृति का गुणगान करते हुए अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकें। एक मिनट के लिए अगर जो हम धर्म से पीछे हट जाएं जी हम सिर्फ एक भारत के बसिंदे एक यूपी के बसिंदे बन के अगर जो मैं आपसे सवाल करूँ आपको यहाँ पर क्या फर्क लगता है अगर जो धर्म को छोड़ दिया जाए। सर अगर देख लिया जाए विकास के मामले में अगर विकास ही देखा जाए तो पहले के विकास में आज के विकास में जमीन आपका होता है कितने वर्ष योगी की सरकार यहाँ रही है। सर 2017 से लेकर 4.5 साल में कोरोना का टाइम कितना रहा लगभग 2 साल सर और 2 साल में इतना भयानक महामारी होने के बावजूद आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ चाहे सड़क पर देखिए जिस सड़क पे जाने में जिस जगह पे जाने मुझे 4 घंटे का समय लगता था उस स्थान पे हमें पहुंचने में 1.5 घंटे लगता है। क्या इंडस्ट्रियल एरिया का विकास नहीं हुआ सर अगर दूरिया तेल का दाम भले महंगा हुआ तो क्या दूरिया नहीं घटी। अगर दूरिया घटी तो हमारा इनकम भी हुआ। लोग कहते हैं पेट्रोल का दाम महंगा हो गया अगर हम पेट्रोल की ही बात देखें तो क्या कैसे लोग गाड़ियां खरीद ले रहे हैं कैसे लोग डिस्टेंस को अधिक डिस्टेंस को कम समय में तय कर ले रहे हैं क्या उनकी बचत वहां से नहीं हुई। और रही बात मैं अयोध्या योजना यूपीएससी की तैयारी करता हूं जो कि योगी महाराज जी ने दिया है देश के यूपी के 18 मंडलों में उन्होंने दिया है। की बात की तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आपसे जाति समुदाय की बात ना करते हुए पूछूंगा कि नौकरियां क्या मेरिट के लिस्ट में मिलनी चाहिए या आरक्षण के लिस्ट में। नौकरियां ना मेरिट के लिस्ट में मिलनी चाहिए ना आरक्षण के लिस्ट में मिलनी चाहिए नौकरियां कंपटीशन के बेस पे मिलना चाहिए। योग्यता क्या आधार पर यदि हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो हम बेकार हैं। इसलिए मुझे ना पात्रता आरक्षण के आधार पे मिले ना मेरिट के आधार पे मिले हमारे
कुशलता के आधार पर मिले, मैं यही व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात की है इस व्यक्ति ने कि योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा ये मैं कहूँ भारतवर्ष में सबसे बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। आज भारतवर्ष में आरक्षण एक कीड़े के तरह इसको जगह जगह रेंगता हुआ है, भारत को खोखला करता जा रहा है, जिसमें कि योग्यता के आधार पे लोग छाट के पीछे हटा दिए जाते हैं और जातिवाद का एक आरक्षण जो उन्हें ले जाकर ऊपर बैठा दिया जाता है। इसीलिए भारत की तरक्की में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मील का पत्थर बन जाता है और रुकावटें पैदा होती हैं, जिसको हम भारतवासी ही कोसते हैं। लेकिन अपने संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव आज हमारे लिए जरूरी है, जो कि आरक्षण नहीं योग्यता सबसे बहुत जरूरी है। शो के बारे में तो हम यहाँ पे लोगों से शो के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी, तो आपको ये शो हमारा कैसा लगा? आपको शो कैसा लगा? आपने भी अपनी बात रखी सही है। सही नहीं, खुल के बोलिएगा। अच्छा, हम अच्छा आपको आपके समाजवादी पार्टी से आई थी आवाज कि हम बात करते हैं बीजेपी वालों को, आप समाजवादी पार्टी यहाँ बताइए, हमने कोई किसी की बात की या सबकी बात की बताइए? सबकी बात हो रही है यहाँ पे, बट जो सरकार में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ है जिससे हम लोग अच्छा नहीं हम केवल शो के बारे में पूछे, डिबेट कर चुके हैं फिलहाल शो की बात। शो कैसा लगा आपको? निष्पक्ष शो, लाइव भारत आपको निष्पक्ष जो बोलिए निष्पक्ष है, अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो हम बात करते हैं, लाइव भारत आपको सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाता। भारत हमेशा सच दिखाता है और हम इलेक्शन 2022 का यहाँ सर्वे करने आए थे, सर्वे में हमने जगह जगह हर जिले हर शहर का हमने सर्वे किया और यूपी में और लाइव सर्वे किया, ना कट ना एडिट, केवल सच सच के आधार पर जो भी रिपोर्ट आई हमने वो आगे रिपोर्ट भेजी और इस सर्वे में जो भी निकल के आता है वो जनता के सामने है, हमारे लाइव चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो ये थी लाइव भारत की खास खास रिपोर्ट हम दोनों के, हमने दोनों अलग अलग कोनों का सर्वे किया है और जो पीएम हाउस के तरफ से सर्वे हुआ। सबसे बड़ी बात है कि अगर आवारा पशु ना कहे गोवंश कहे, भाजपा इसको गोवंश कहती है, जनता इसको आवारा पशु कहती है, किसान आवारा पशु कहते हैं, तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये समस्या सबसे बड़ी समस्या जो कि सरकार के लिए खतरे की घंटी तो है। देखिए एक नया कानून बना है योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या किसानों की आय जहां करने का उठाया था भाजपा ने, लेकिन यहां किसानों की फसल अपना चलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि हमने निष्पक्ष बताया और हमने अयोध्या राम से आपको और हमने आपको बताया लाइव तस्वीर लाइव भारत पर, तो हाँ जी भाई बताइए कुछ, हम निराश नहीं करेंगे। राम भक्त जी हम क्या आपका बता दीजिए, राम जी बता दीजिए बताइए, हम चुनाव से मतलब आपको बुला के राम राम ये तो कह सकता है, अरे ये तो कहेंगे जहाँ राम और अल्लाह बांट दिया जाए ऐसा राजा न लो जो राम अल्लाह को बांटे, वो राजा मत बनाओ। सबसे बड़ी बात धरती हमारी माँ है, माँ से गद्दारी करने वाले को राजगद्दी कोई अगर जनता सौंपती है तो सरयुग तट है, तो आप ऐसे लगेंगे प्लास्टिक के कीड़े जीते जी पड़ेंगे। तो लाइव भारत के स्पेशल जय हिंद भारत। सैनिक से बड़ा त्याग कौन कर रहा है? मैं सैनिक हूँ। अरे बोलिए राम, हम कह रहे हैं कि चुनाव से मतलब चुनाव छोड़ दो, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, योगी आदित्यनाथ जी के आने से विकास हुआ। अच्छा तो क्राइम में कमी आई, क्राइम में एकदम कमी आई, भ्रष्टाचार कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, तो ये चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार का चुनाव नहीं, भ्रष्टाचार जितना मर्जी हो चुनाव मुद्दा नहीं, 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 ये चुनाव मुद्दा हम नहीं कह रहे हैं आपको। हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि यही तो चुनावी मुद्दे हैं सर, हमने बोल तो दिया भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, ये मुद्दा विकास मुद्दा या फिर राम मंदिर मुद्दा, क्या मुद्दा फिर? विकास मुद्दा या अपराध मुक्त समाज मुद्दा या राम मंदिर मुद्दा, मुद्दा क्या है भाजपा का? भाजपा का मुद्दा राम मंदिर है, राम मंदिर उन्होंने बनवाया योगी जी ने, ना योगी का योगदान ना मोदी का योगदान, केवल बनवाने के लिए जो योगदान है वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका मत है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, लेकिन सरकार चाहिए तभी तो, और हाँ, सरकार में क्यों नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट? नहीं नहीं सरकार उस पर लगी तभी तो, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं करूंगा, सरकार में क्यों नहीं बनी? मैं कह रहा हूँ भैया और सरकार इतने, चलिए सबसे बड़ी बात हमारा सर्वे कहता है कि सुनिएगा, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और उतरौला और सुल्तानपुर,
अमेठी और लखनऊ और उसके साथ बाराबंकी, ये लाइव तस्वीरें आपके हाथ हुए हैं, आपके मोबाइल में लाइव भारत। हम सर्वे मुंह जुबानी नहीं करते, हम लाइव करते हैं और लाइव में ये छन कर आया है सरकार योगी की ही बनेगी। जय जय भारत।